जिला बदीन की तहसील तिलहार के नवाही गांव सुल्तान चांग का मेन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तालुका एजुकेशन ऑफिसर की गफलत के बायस पिछले 2 माह से बंद। प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपनी मदद आप के तहत पढ़ने पर मजबूर। तफसीलात आपको बता रहे हैं। 2000 की आबादी पर मुश्तमिल तिलहार का मेन प्राइमरी स्कूल जिसमें 80 से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। गाँव सुल्तान चांग के रिहायशियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था, हमारे गाँव के स्कूल को तालुका एजुकेशन ऑफिसर इब्राहिम डेथों ने जानबूझकर असाध्या को रिलीव करके बिला जुआस बंद कर दिया। गांव के रिहायशियों ने वजीरियाला सिंध वजीरे तालीम से मुतालबा किया, हमारे गांव में बंद प्राइमरी स्कूल का नोटिस लेकर तालुका एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। प्राइमरी स्कूल में 1985 से कायम हुआ है, ये पुराना स्कूल है, इसमें उस्ताद था वो बदली हो गया है, अभी दूसरे स्कूल में रख दिया गया है और बच्चे तकरीबन 50 से लेकर 70 तक बच्चे और बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, आप देख रहे हैं। और अभी ये जो है बायोमेट्रिक सिस्टम है, अभी बोलते हैं अभी ये हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम को, हम बोलते हैं सही है, इस सिस्टम को ज़िले लेवल पे लाया जाए तो अच्छा होगा। मेरी वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है और वज़ीर तालीम साहिबान से भी गुजारिश करता हूँ, सिंध हुकूमत से उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में दोबारा मास्टर दिया जाए और स्कूल का निज़ाम बहाल सके, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ सकें। बड़ी आपकी मेहरबानी होगी।